भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त खिलाड़ियों के चोट की वजह से परेशान चल रही है। टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत चोटिल होकर दूसरे मैच से बाहर हुए, तो अब ओपनर रोहित शर्मा और शिखर धवन भी राजकोट में चोटिल हो गए। भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में चोट लगी। धवन बल्लेबाजी के दौरान, जबकि रोहित को फील्डिंग करते वक्त चोट लगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम के दोनों ओपनर्स चोटिल हो गए। शिखर धवन को बल्लेबाजी करते हुए 9.2 ओवर में स्टार की एक तेज रफ्तार गेंद सीधा पसलियों पर जाकर लगी थी। इसके बाद धवन दर्द से कराहते हुए नजर आए। चोट लगने के बाद वो मैदान पर लेट गए और फिजियो को आकर उनका इलाज करना पड़ा। हालांकि इसके बाद धवन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 96 रन की पारी खेली। रोहित को फील्डिंग करते वक्त 42.2 ओवर में बाउंड्री पर गेंद पकड़ने की कोशिश में चोट लगी। रोहित गेंद पकड़ने के बाद अपना संतुलन खो बैठे और पीठ के बल गिर पड़े। इसके बाद उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा। रोहित की चोट वैसे ज़्यादा गंभीर नहीं थी, क्योंकि वह बाउंड्री से बाहर बैठे नजर आए। मैच खत्म होने के बाद कप्तान विराट कोहली से जब रोहित की चोट पर सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया कि ये ज़्यादा गंभीर नहीं है। विराट ने कहा, रोहित का बायां कंधा कई बार उखड़ चुका है, वो अगले मैच के लिए तैयार होंगे। बता दें, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज में 1-1 की बराबरी की। मुंबई में खेले गए पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। अब सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला पुणे में खेला जाएगा। तो आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।